हेलो एवरीवन, गीत कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। हमने यहाँ पे 250 ग्राम के करीबन घी लिया है और घी को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मेल्ट करना है। जब हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद हम 250 ग्राम के करीबन बेसन का इस्तेमाल करेंगे। जितना हमने घी लिया है उतना ही हम बेसन लेंगे। ये जो लड्डू बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं, बस आप मेज़रमेंट का ख्याल रखें जब भी आप ये लड्डू बनाते हैं, और इसे इसी तरीके से हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। हमारा बेसन अच्छे से पक जाना चाहिए, उसमें खुशबू आने लगे और इसका कलर चेंज हो जाए तो समझिए हमारा बेसन अच्छे से पक चुका है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे कंटिन्यूसली, जलना नहीं चाहिए। जब हमारा बेसन का कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें 2 चम्मच के करीबन दूध का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होता है, जो हमारे लड्डू हैं दानेदार बन के तैयार होते हैं। और इसी तरीके से कंटिन्यूसली चलाते हुए ये देखिए हमारा तैयार है। अब हम इसे ठंडा कर देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसमें ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने पिस्ता, बादाम, काजू, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हैं आप यूज़ कर सकते हैं। हमने इनका एक फाइन पाउडर तैयार कर लिया था। ये देखिए बहुत ही अच्छे से लड्डू ये तैयार होते हैं। बहुत ही डिफरेंट सा फ्लेवर आता है इसका, तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। हमने यहाँ पर शुगर पाउडर लिया है 250 ग्राम के करीबन। मिठास आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, जैसा भी आप रखना चाहते हो। अगर आपके पास शुगर पाउडर है तो शुगर पाउडर का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास तगार है या बूरा है तो आप वो भी ले सकते हैं। मिठास आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। और ये प्रोसेस हमें जब ही करना है जब हमारा बेसन ठंडा हो जाए, उसके बाद ही हम इसमें शक्कर का इस्तेमाल करेंगे, शुगर का इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पे 1 चम्मच के करीबन इलायची पाउडर लिया है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इलायची पाउडर का। और इसी तरीके जिस तरीके हम नॉर्मल लड्डू बनाते हैं उसी तरीके से सेम हम लड्डू बना के तैयार करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से, इस तरीके से आप ज़रूर एक बार ट्राई करें इस फेस्टिवल पे। बहुत ही टेस्टी से लड्डू बन के तैयार होते हैं। और ये देखिए हमने हमारे सारे लड्डू तैयार हैं। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से या सिल्वर ये वर्क से आप ना इसको गार्निशिंग कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। थैंक यू सो मच।